तो रोमन के जाते ही करने पड़े WWE को सारे प्लान्स चेंज, क्या थे ओरिजिनल प्लान्स और अब क्या हो गए हैं। अगर आपको ये जानना है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात कि WWE ने क्या प्लान करा हुआ था सर्वाइवर सीरीज के लिए ओरिजिनली रोमन रेंस के इंजर्ड होने से पहले और अब जो है एक्चुअल में प्लान्स चेंज हो गए, क्या था उनके पीछे रीजन। तो जब रोमन रेंस ऑलरेडी सही थे और किसी को ये नहीं पता था कि रोमन रेंस जो है वो अपनी कैंसर की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो विंस मैकमैन और WWE ने जो प्लानिंग करी हुई थी सर्वाइवर सीरीज के लिए वो स्मैकडाउन वर्सेस रॉ से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी। कोई भी ऐसे मैच जो थे हमें स्मैकडाउन अगेंस्ट रॉ शायद इस बार देखने को ना मिलते, क्योंकि एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस होता अगर रोमन रेंस रहते यहां पर, और WWE नहीं चाहती थी कि वो मैच होना चाहिए सर्वाइवर सीरीज में, क्योंकि दोनों ही टॉप फेस हैं WWE के और दोनों अगर आपस में लड़ते हैं तो किसी एक को हारना पड़ेगा और वो विंस मैकमैन डिसीजन वहां पे नहीं लेना चाहते थे। लेकिन रोमन रेंस के जाने के बाद ही जो WWE के पास नया आइडिया आया वो यही बचा था कि स्मैकडाउन वर्सेस रॉ की जो पूरी थीम है उनको करनी पड़ेगी सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू के लिए, और उन्होंने ब्रॉक लेसनर अगेंस्ट एजे स्टाइल्स अनाउंस करा है और अब एक रेसलर हील है एक रेसलर फेस है, तो जरूर ये मैच WWE कर सकती है और इसमें कोई एक विनर भी रह सकता है। ये मैच हम पहले भी देख चुके हैं तो कुछ उसमें खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रोमन रेंस के जाने से पहले सर्वाइवर सीरीज के जो प्लान्स थे और आगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के जो प्लान्स थे वो बिल्कुल अलग थे, और उनके जाने के बाद WWE को थोड़े ऐसे चेंजेस करने पड़े कि वो यूनिवर्स और WWE के फैंस के लिए जो है वो थोड़ा एक्साइटमेंट जो है WWE सर्वाइवर सीरीज में बनी रहे। इसलिए उन्होंने रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की जो थीम है वहां से यहां पे कंटिन्यू करी है, और क्राउन ज्वेल पेपर व्यू में भी रोमन रेंज जो थे वो स्क्रिप्टेड टू विन थे द यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच, जो कि होने वाला था एक ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमन, रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर। तो रोमन रेंज उस मैच को नहीं हारने वाले थे, और मैं ब्रॉक लेसनर के बारे में भी आपको यहां पे एक थोड़ी सी अपडेट दे दूं, तो उन्होंने एटलीस्ट दो अपीयरेंसेस के लिए और WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था वो अराउंड लास्ट वीक में ही हुआ है। तो रोमन रेंज के जाने के बाद ही ये जो है सारे प्लान्स चेंज हुए हैं और WWE ने एक बार फिर से जो है ब्रॉक लेसनर पे अपनी उम्मीदें लगाई हैं कि वही उनको यहाँ से इस प्रॉब्लम में से जो है वो निकाल पाएंगे। लेकिन सर्वाइवर सीरीज के ओरिजिनल प्लान्स थे कि रोमन रेंज जीतते क्राउन ज्वेल में और शायद फिर डिफेंड करते अपना टाइटल किसी और के अगेंस्ट, या तो सर्वाइवर सीरीज में या फिर मंडे नाइट रॉ की टीम अगर एक मैच हमें वैसा देखने को मिलता तो उसको शायद कैप्टन करते रोमन रेंस। तो गाइस ये थी लेटेस्ट अपडेट्स जो प्लान्स थे सर्वाइवर सीरीज के पहले, और अब जो हमें दिख रहा है वो सब कुछ अलग हो चुका है क्योंकि रोमन रेंस अब यहाँ पर नहीं है। आज मैंने पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने रोमन रेंस पर एक हेल्थ अपडेट दिया है, तो अगर आपको जानना है उसके बारे में तो ज़रूर आप जाकर उसके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।